तो वेलकम टू क्रिक जी के ट्रिक्स। क्रिक जी के ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और क्रिक जी के ट्रिक्स के इस वीडियो में आज तारीख है 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। और अगर आपको उनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर टाइप करना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप दूसरों के आंसर देख करके आंसर को टाइप करें, लेकिन टाइप जरूर करें, क्योंकि आप जब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टाइप करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग याद रह जाएंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो क्रेक जी के ट्रिक्स पे शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 टूर्नामेंट किसने जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु ने। तो अभी हाल ही में भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु BWF, ये BWF मतलब क्या हो गया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है पीवी सिंधु। अच्छा, तो इसमें पीवी सिंधु ने किसको हराया है ये भी इक्वेशन बनेगा, तो जापान की नोजोमी ओकुहारा को। अच्छा, ये हुआ कहां पे? तो फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि चाइना में हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस प्रश्न से नाम याद रखना है पीवी सिंधु का, जो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे। तो अभी हाल ही में फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे ने मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरे स्थान पर रही है साउथ अफ्रीका की तमारिन ग्रीन, और तीसरे स्थान पर कौन रही, थाईलैंड की वेनेजुएला। भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट लिया क्या? हाँ, नेहल चुड़ासमा ने इसमें भाग लिया, पर वो टॉप 30 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि 2018 का ये जो मिस यूनिवर्स है ये 67th एडिशन था इसका, और ये हुआ कहाँ पे, तो थाईलैंड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको इस प्रश्न से याद क्या रखना है, फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे का नाम, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अच्छा, आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था मिस वर्ल्ड 2018 भी पढ़ा था, कौन बनी थी, मेक्सिको की वनेसा पोंसे डी लियोन। और मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018 वो मेल ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, मैंने आपको बताया था मिस्टर सुप्रा नेशनल 2018, तो ये कौन विनर रहे थे, भारत के, और भारत में भी गोवा के प्रथमेश मौलिंगकर। तो पुरानी चीजें भी आप रिकॉल करते हुए चलो तो आपको याद रहेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब किसने जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से श्री सैनी ने। तो अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीता है भारतीय अमेरिकी श्री सैनी ने, और दूसरे स्थान पर रही है ऑस्ट्रेलिया की साक्षी सिन्हा, और तीसरे स्थान पर यूके से अनुषा सारेन। आपको थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने अलग अलग देश नाम लिए लेकिन सारे नाम जो है भारतीय लड़कियों के ही निकले हैं। तो आप देख सकते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भारत और दुनिया भर में जितनी भी भारतीय की है उनके लिए ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 इसे किसने जीता है, भारतीय अमेरिकी श्री सैनी ने, और ये इसका 27वां एडिशन था, जो कहां हुआ, न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हरियाणा की मनदीप कौर संधू को मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 चुना गया है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किसने जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम ने। तो अभी हाल ही में बेल्जियम ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीत लिया है। अब यहां से और क्या प्रश्न बनेंगे, भाई देखो, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता, तो बेल्जियम ने। किसको हराया, तो नीदरलैंड को। कहां हुआ, तो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। तो ये तीन प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको रटे हुए होने चाहिए, जब भी उड़ीसा की बात आएगी तो मैं आपको रटवा दूंगा। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम का यह पहला वर्ल्ड कप खिताब है, और आपको पता होगा 2014 में जब ये हुए थे उस समय विजेता कौन सी टीम रही थी, ऑस्ट्रेलिया, वो इस बार तीसरे नंबर पे रही है, यानी कि उसने ब्रॉन्ज जीता है। तो पहले नंबर पे यानी कि किसने जीता, बेल्जियम ने, सेकंड नंबर पे किसको हराया, नीदरलैंड को, और तीसरे नंबर पे जिसने ब्रॉन्ज जीता है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो उड़ीसा के बारे में तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, आज हम बेल्जियम को देखते हैं। तो ये रहा मैप में आपका बेल्जियम, कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो, एक यूरोपियन कंट्री है, पीएम कौन है, चार्ल्स मैकेल। इसके अलावा आपको बता दूं कि नाटो NATO नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो इस प्रश्न से आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुणे में। तो अभी हाल ही में 37th सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 17 दिसंबर को पुणे में सेना रोइंग नोड में शुरू हुई है। आपको इसी के साथ बता दूं कि 2019 में होने वाली है विश्व चैंपियनशिप, तो उसमें रोवर्स इस सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में से ही चुने जाएंगे, और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होगी उसकी पहली क्वालिफाइंग चैंपियनशिप होगी ये 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप।
तो आपको इस प्रश्न से याद क्या रखना है कि सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप पुणे में शुरू हो चुकी है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसे GI टैग दिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिलाव खाजा। तो अभी हाल ही में चेन्नई में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने सिलाव खाजा को GI टैग दिया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये सिलाव खाजा है क्या? तो बिहार का एक पारंपरिक व्यंजन है सिलाव खाजा, अगर कोई बिहार से है तो उसे पता होगा। अच्छा, बिहार के सिलाव खाजा को GI टैग तो दे दिया गया है, पर ये GI टैग होता क्या है? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, एक बार फिर बताऊंगा। GI टैग की सबसे पहले फुल फॉर्म देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जब किसी स्थान की कोई चीज फेमस होती है तो उसे GI टैग दे दिया जाता है। जैसे अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को दिया गया था, और अब बिहार के सिलाव खाजा को। अच्छा, क्या आपको पता है भारत में सबसे पहले किसे GI टैग मिला था? तो आंसर होगा दार्जिलिंग की टी को 2004 से 2005 में। अगर आप GI टैग के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये मस्ट पता होना चाहिए। अब ये सिलाव खाजा बिहार का व्यंजन है, तो बिहार को आप मैप में देखिए, ये रहा बिहार, कैपिटल क्या है? पटना। और अभी पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो आंसर होगा अमरेश्वर प्रताप शाही। मैंने जब बने थे तो आपको बताया भी था, और जब क्विज पूछता हूँ लास्ट में तब भी मैंने आपसे आंसर पूछा था, तो अब तो आपको ये रट गए होंगे। और विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ बनेगा? बिहार में। क्या नाम है उसका? पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नाम होगा उसका, विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। CM कौन है बिहार के? नीतीश कुमार। गवर्नर है लालजी दास टंडन। और किस नदी को बिहार का शौक कहते हैं? तो मैंने आपको हजारों बार बताया है, एक बार फिर बताएंगे, यानी कि 1001 बार। कौसी नदी। क्यों कहते हैं इसे बिहार का शौक? तो इससे आने वाली बाढ़ से क्या होता है, बिहार में बहुत तबाही होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोसी नदी। अक्टूबर की ही न्यूज़ है, पटना में भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र यानी कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला था, ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में पूछा गया SBI क्लर्क में, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पर है? पटना बिहार में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा बिहार में। ये भी एग्जाम का ही प्रश्न है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सोल्जराथन आयोजित की गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में सोल्जराथन आयोजित की गई है, और इसे हमारे खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 16 दिसंबर को ध्वजांकित किया है, फ्लैग्ड ऑफ किया है। अच्छा, तो आपको बता दूं, इस मैराथन का आयोजन शहीदों और घायल सैनिकों के सम्मान में किया जाता है, और इस आयोजन से जो भी इनकम होगी वो घायल सैनिकों के लिए भारतीय सेना के कृत्रिम अंग केंद्र को दान कर दी जाएगी। अब नई दिल्ली में हुआ है, तो नई दिल्ली को मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रहा नई दिल्ली, जैसा कि आप जानते हैं CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। ये सबको पता है। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जहां से प्रश्न बनते हैं, और जो बने हुए हैं वही मैं लेकर के आया हूं। जैसे कि कई बार रेलवे में पूछा गया दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो इसका अनाउंसमेंट हो गया था 1911 में और बना दिया गया 1912 में। अच्छा, इससे पहले फिर राजधानी क्या थी? तो फिर आंसर होगा कोलकाता थी, लेकिन वर्तमान में तो हमारी राजधानी नई दिल्ली है, तो इसे नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया? 1931 में। अच्छा, आपको पता है पहले एशियन गेम्स कहाँ पे और कब हुए थे? तो नई दिल्ली में 1951 में हुए थे, लेकिन 2018 के जो एशियन गेम्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं ये भी आपको बताना चाहिए, जकार्ता पैलेम्बंग इंडोनेशिया में। रेलवे के एग्जाम में ही अभी हाल ही 2018 में जो ग्रुप डी के हुए थे वहां पूछा गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली कौन है? अंशु प्रकाश है। और दिल्ली के वास्तुकार का नाम आपको पता है? एडविन ल्यूटिन, इंग्लैंड से थे ये। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है दिल्ली के राजपथ को क्या कहते हैं? क्या आपको पता है? किंग्स वे कहते हैं। और दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी की समाधि, किस नाम से जाना जाता है? राजघाट से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है, तो विजयघाट। लाल बहादुर शास्त्री वही हैं जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। आपको बताया अभी नवंबर में ही, पहले हफ्ते में ही सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इसका आकार नमस्ते के समान है, इसकी ऊंचाई है 165 मीटर, और ये देश का पहला केबल स्टाइल ब्रिज है। तो इस प्रश्न से इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में 2018 ITF मानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों को। तो अभी हाल ही में टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच और सिमोना हेलेप को वैश्विक टेनिस के शासिनिका यानी कि गवर्निंग बॉडी ऑफ ग्लोबल टेनिस के द्वारा 2018 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में चुना गया है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से यह सम्मान प्राप्त किया है, जबकि रोमानिया की सिमोना हेलेप को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, नोवाक जोकोविच और सिमोना हेलेप का नाम जिन्हें मिला है 2018 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्माता अशोक अमृतराज को। तो अभी हाल ही में फिल्म निर्माता अशोक अमृतराज को फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अच्छा, तो आपको बता दूं, आपने देखा होगा
गोस्ट राइडर मूवी आपने देखा होगा, 99 होम्स मूवी। तो ये अशोक अमृतराज इन फिल्मों के निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर रहे हैं। अच्छा, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये अशोक अमृतराज को ये फ्रांसीसी सम्मान क्यों मिला है। तो उन्हें सिनेमा और इंडो फ्रांसीसी फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, अशोक अमृतराज का नाम जिन्हें मिला है फ्रांसीसी सम्मान। अब ये फ्रांसीसी सम्मान मिला है तो फ्रांस को आप मैप में देखिए, ये रहा फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रॉन। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने ऑक्सीटोसिन पर केंद्र की रोक को रद्द कर दिया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीटोसिन के निर्माण, वितरण, प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि रोक लगा दी थी। पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में प्राइवेट कंपनियों द्वारा ऑक्सीटोसिन की बिक्री, वितरण, निर्माण और आयात पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रोक लगी हुई थी ना, उसे रद्द कर दिया है। अच्छा, तो ये ऑक्सीटोसिन है क्या, ये आपको समझना होगा। तो बेसिकली ये एक हार्मोनल दवा है जिसका उपयोग अभी तक किसानों और डेयरी उद्योगों के द्वारा गलत तरीके से यानी कि दुरुपयोग इसका करा जाता था। वैसे इसका उपयोग मेडिकल में प्रसव वेदना को प्रेरित करने और प्रसव के बाद रक्त स्त्राव को कंट्रोल करने या फिर नई माताओं को लैक्टेट में मदद करने के लिए दिया जाता था। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी लेनी है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचा है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फेताई। तो अभी हाल ही में फेताई नाम का चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचा है। अब आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचा है तो आंध्र प्रदेश को आप मैप में देखिए, यह रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। और अमरावती से याद आना चाहिए कि भारत की पहली न्यायिक सिटी यानी कि जस्टिस सिटी आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही बनेगी। और आंध्र प्रदेश का नया हाईकोर्ट भी 1 जनवरी 2019 से कार्य करना प्रारंभ कर देगा, जो कि कहां बनेगा, अमरावती में ही बनेगा। सीएम की बात करेंगे आंध्र प्रदेश के तो चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर कौन है, ईएसएल नरसिम्हा। एक बार पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में कि बोरा केव्स कहां पर स्थित है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाता कि अजंता केव्स कहां पर है, तो फिर आंसर होता महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश का एक सिटी है विजयवाड़ा, किस नदी के किनारे स्थित है, तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आईबीपीएस पीओ आरआरबी 2017 में जो नवंबर में हुआ था वहां पूछा गया था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29th राज्य कौन सा बना था हमारे देश का, तो आंसर होगा तेलंगाना बना था। कब बना था, 2 जून 2014 को। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश ही है। अगर बात करें इसके राजकीय पशु की, तो काला हिरण है। राजकीय पेड़ की, तो नीम है। राजकीय पक्षी, तो रोज रिंग पैराकीट जो कि एक तोता है। और इसका राजकीय फूल चमेली है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी देते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र के लिए IFC यानी कि इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, तो इससे होगा क्या, तो इससे वाणिज्यिक शिपिंग यानी कि कमर्शियल शिपिंग पर जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा। अच्छा, तो इस इन्फॉर्मेशन सेंटर को स्थापित कहाँ किया गया है, तो आंसर होगा हरियाणा के गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया है। अच्छा, नौसेना की बात चल रही है तो बताओ हमारे नेवल चीफ कौन है, तो आंसर होगा सुनील लांबा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 25 टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विराट कोहली। तो अभी हाल ही में विराट कोहली 25 टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। अभी आपको पता होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट में 127 पारी में विराट ने यह उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन है, डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 25 टेस्ट शतक 68 पारियों में लगाए थे। अच्छा, इस मामले में सचिन की बात करेंगे तो वो तीसरे हो गए क्योंकि उन्होंने 130 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। तो आपको इस प्रश्न से विराट कोहली का नाम याद रखना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु संयंत्र संचालन यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन के ऑपरेशन में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंडिया ने। तो अभी हाल ही में भारत के कर्नाटक में केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब ये कैसे बनाया है, तो देखो इस केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में जितनी इकाइयां हैं, जितनी यूनिट्स हैं, उसमें से एक यूनिट ने बिना रुकावट के कंटिन्यू 940 दिनों से भी ज्यादा तक चली है लगातार। और ये पूरी दुनिया में एडवांस गैस पर आधारित रिएक्टर्स और जितने भी सभी टाइप के जितने भी न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं उसमें एक रिकॉर्ड है 940 से ज्यादा दिनों तक बिना रुकावट के चलने का। आपको बता दूं इससे पहले रिकॉर्ड यूके यूनाइटेड किंगडम के नाम था। तो इस प्रश्न से आपको याद क्या रखना है, केगा एटॉमिक पावर स्टेशन कर्नाटका का नाम जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है 940 दिनों तक
बिना रुकावट के चलने का। अब ये कर्नाटका का है, तो कर्नाटका को आप मैप में देखिए, ये रहा कर्नाटका। कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलुरु से याद आना चाहिए, बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था, और बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकन वैली कहते हैं। अच्छा, वर्ल्ड का सिलिकन वैली किसे कहते हैं? तो आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। अब ये सिलिकन वैली मतलब पता है आपको क्या होता है? जहाँ पे आईटी कंपनीज का हब होता है उसे कहते हैं सिलिकन वैली। सीएम की बात करेंगे कर्नाटका के, तो एचडी कुमारस्वामी। गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट कहां पर है? बेंगलुरु में। और याद रखना, अभी पिछले महीने जो आईबीपीएस पीओ के पेपर हुए थे ना, डेट बता देता हूं, 11 नवंबर 2018 आईबीपीएस पीओ में पूछा गया था ये प्रश्न, क्योंकि ये करंट का ही प्रश्न है। उसके अलावा तुंगभद्रा डैम, जो तुंगभद्रा नदी पर है, वो कहां पर है? कर्नाटका में है। याद रखना, तुंगभद्रा नदी पर ही है। और लार्जेस्ट डोम इन इंडिया, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबज है। कहां पर है? कर्नाटक में है। और याद रखना, ये आदिल शाह का मकबरा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। और अक्टूबर की ही न्यूज है, कर्नाटक नेक व्यक्तियों को सुरक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बना था। उसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? तो आंसर होगा गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात, कर्नाटक में ही है, शरवती नदी पे। कितना ऊंचा है? 255 मीटर का। तो इस प्रश्न से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित अरुण भादुड़ी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गायक थे, शास्त्रीय गायक थे। तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध गायक पंडित अरुण भादुड़ी का निधन हो गया है। पंडित भादुड़ी को बंगाली गानों और भजनों के विशेषज्ञ माना जाता है। पश्चिम बंगाल से ही थे ये, और 2014 में इन्हें बंबा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो इस प्रश्न से आपको नाम याद रखना है, अरुण भादुड़ी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और वो क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। अब हम लास्ट वीडियो के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में किसे 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, लेखक अमिताभ घोष। मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये पहले अंग्रेजी लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न था, हाल ही में IAAF के अनुसार 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और यहाँ पे IAAF की फुल फॉर्म क्या बनती है आप लोगों ने बताई नहीं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। लेकिन खुशी इस बात की है, आप जितनों ने भी आंसर दिए हैं सबने सही आंसर दिया है। कुछ एक जो नए लोग हैं वो हमसे जुड़े हैं, उन्होंने आंसर दिए, तो मैं आप लोगों से कह दूं कि आप आंसर को ABCD ऑप्शन में न करके दें, आप आंसर को लिख करके दें, उससे आपका ही फायदा होगा। आपने देखा होगा बाकी जो हमारे पुराने जुड़े हुए लोग हैं वो आंसर को लिख के देते हैं, तो उनको कुछ फायदा दिखता है। अब आज के वीडियो के प्रश्नों को हम देखते हैं, आज के क्विज के प्रश्न क्या है। उससे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हम डेली वीडियो में लास्ट में दो क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन होता है पिछले दिन की वीडियो का, और एक क्वेश्चन मैं पिछले 30 दिनों में से कहीं से भी एक रैंडमली पूछता हूं। ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि हमें यह भी चेक करना है कि पिछला आपको याद भी है या नहीं है, क्योंकि पुराने लास्ट डे का तो सबको याद होता है। हमें चेक करना है पुराना हमें याद है कि नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पिछले दिन का नहीं आएगा ना, 3-4 महीने का आएगा। तो मैं तो फिर भी 30 दिनों का आपसे पूछ रहा हूँ। बढ़ते हैं आज का पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने हैं? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, आंसर वहां पे आपको टाइप करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायु अभ्यास शिनयू मैत्री 2018 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, वहां पे जाना है आपको ABCD में नहीं, आंसर को लिखना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो चीजों आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता ना, मान लो एक का पता एक का नहीं पता, तो दूसरों का आंसर देख करके आप टाइप करा करो, क्योंकि जब आप टाइप करोगे ना, वो आंसर तो आपको हमेशा के लिए रट जाएगा। क्या पता एग्जाम में वही आ जाए आपकी किस्मत से, तो आपको कम से कम आंसर तो आता होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, और मैं हमेशा कहता हूं इसको आप शेयर जरूर करें। हमारे व्यूज नहीं है तो आप इसे शेयर जरूर करें, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं और जो भी हमारे पुराने लोग हैं, पुराने साथी हैं, आप इसे शेयर जरूर करा करें। आप शेयर करेंगे तो नंबर ऑफ व्यूज बढ़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।